किया तो उन्होंने बोला कि बाहरी लोग आया गया था परीक्षा लेने, जबकि हम लोगों ने परीक्षा दिया है, हम लोग नहीं जानते कौन है, सब कॉलेज के ही लोग थे और हम लोगों के लिए हम लोगों से पैसा मांगा गया था, हम लोग पैसा नहीं दे पाए, इसलिए हम लोग को फेल कर दिया गया है जानबूझ के सर। हम लोग का थ्योरी भागलपुर SM कॉलेज के साइंस के छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। दरअसल इंटर प्रायोगिक परीक्षा में फिजिक्स सब्जेक्ट में 40 से अधिक छात्राओं को फेल कर दिया गया है। छात्राओं ने कॉलेज में पहले हंगामा किया, फिर प्राचार्य का घेराव करते हुए प्राचार्य कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गई। छात्राओं का कहना है कि इसमें से कई लड़कियां मार्क्स में फर्स्ट डिवीजन है, पर प्रायोगिक परीक्षा में कॉलेज की तरफ से उन्हें फेल कर दिया गया है। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज की तरफ से प्रायोगिक परीक्षा के लिए पैसे मांगे जा रहे थे, नहीं देने पर उन्हें फेल कर दिया गया है। इस दौरान कई छात्रों ने कहा कि अगर उनकी कॉपी को पुनः जांचा नहीं गया तो वह कॉलेज में ही आत्महत्या कर लेंगी। इस दौरान एक छात्रा घबराहट के कारण कॉलेज में ही बेहोश हो गई। वहीं कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि छात्राओं से लिखित शिकायत लेकर छात्राओं को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। BNP न्यूज के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। कितना मार्क्स दिया गया वो हमको देखना है। नहीं दिखाएगा तो क्यों नहीं दिखाएंगे? तो नहीं दिखाएं तो हम लोग यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे, और ज्यादा नहीं मानेंगे तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे यहीं। क्या नाम है? पूनम कुमारी। नहीं हुआ इसीलिए उसने सब कुछ लेकर चला गया, 12,000 रुपया भाड़ा दे के भिजवाया गया। वो भी आदेश होगा तभी खुलेगा, दूसरा कोई नहीं खुल सकता जब तक आदेश होगा। उनके पोर्टल पर जाके अपने रजिस्ट्रेशन किया, उनके पोर्टल पर जाकर अपने परीक्षा प्रपत्र भरा, परीक्षा की घोषणा उसने की, उस तिथि के अनुसार परीक्षा लिया गया। परीक्षा का है प्रायोगिक सैद्धांतिक परीक्षा हुआ। अब परीक्षकों की अपनी स्वतंत्रता, अपनी विशेषता, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार हुआ। आपका जो भी दर्द है वो लिखित रूप में करें, मैं अग्रसारित करूंगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो भी निर्देश देगा छात्रहित में उसका पालन किया जाए। जो भी निर्देश देगा, कॉपी खोलने का देगा कॉपी खोलेंगे, लेकिन किसी भी कॉलेज के प्राचार्य को यह अधिकार नहीं कि कॉपी खोल दे। जब परीक्षक ने मार्क्स दे दिया उसी को अधिकार है कि वो आदेश देगा। केवल फिजिक्स में शिक्षक ने बताएंगे, एक्सटर्नल बताएंगे, इंटरनल नहीं। आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आप प्रिंसिपल हैं सर। जी नहीं, मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि इंटर काउंसिल का हम मौखिक रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से दलाल है वो। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रेस विज्ञप्ति पर पूरा कॉलेज चलाता है, पूरे बिहार का, अपना एक शिक्षक एक कर्मचारी तक नहीं देता। विश्वविद्यालय के वेतनभोगी कर्मचारी काम करते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह स्थायी बंदोबस्त करके सिर्फ शोषण करता है, अपना कुछ सुविधा देता है। यहाँ लड़की आत्महत्या के धमकी देगी, अगर कुछ होता है उनकी स्वतंत्रता है, उनकी विशेषता, उनकी स्वतंत्रता। लेकिन कौन जिम्मेदार, कौन होंगे सर? जिम्मेदार कोई नहीं होगा, इंटर काउंसिल होगा, इंटर काउंसिल जिम्मेदार होगा, वो आदेश करा के लाइए कॉपी खुलेगा। गलत हुआ ना सर? नहीं जी नहीं, कोई गलत नहीं हुआ, गलत हुआ। आंतरिक परीक्षक होते हैं, आंतरिक परीक्षक कॉलेज के सहयोगी है, बाह्य परीक्षक परीक्षक लेते हैं। सर जब सहयोगी है उनके प्रेजेंट में तो हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ गया, तो आप कैसे बोले कि उनका हक है? बाह्य परीक्षक परीक्षक मतलब क्या, बाहरी और आंतरिक दो परीक्षक होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। बाह्य परीक्षक के नाम क्यों लिया जबकि ऐसा हुआ नहीं था? आप जो करना है लिख के दीजिए, हम लोग कुछ नहीं होगा,